अगर मैं असेंबली लेवल पे बात करूं तो लोगों का अब ये समझ में आने लग गया है कि नवीन पटनायक जी जो हैं वो उड़ीसा के अंदर आने वाले बहुत समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो गोलपोस्ट इलेक्शंस का है वो शिफ्ट हो चुका है, राधर से नवीन पटनायक वो पांडियन जी के ऊपर हो चुका है और पांडियन जी के खुद की वोट गेटिंग एबिलिटी नहीं है, ये जमीन पे हमको देखने को मिलता है। जितनी भी वोट गेटिंग एबिलिटी थी नवीन पटनायक जी की थी, पर अगर मैं कहूंगा 2019 और 24 के बीच में, 24 में थोड़ा बहुत डिप आया है विजबी 2019, बट जो लार्जर इश्यू ग्राउंड के ऊपर है वो नवीन पटनायक नहीं है, वो पांडियन जी है। और ऐसी स्थिति के अंदर बीजेडी के अंदर भी अगर कोई बीजेडी के वोटर से भी आप बात करते हैं तो वो इस बार जितना उसका 2019 का एक्साइटमेंट लेवल था वो उतना नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ सेविंग ग्रेस यही है कि अगर जो एसएचजी की जो महिलाएं हैं जिन दिन तक स्कीम्स बीजेडी की पहुंची हैं, अगर वो पूरा एक तरफा वोट बीजेडी तक पड़ जाता है तब बीजेडी 80 सीट तक टच कर जाएगी। पर मैं वापस से कहूंगा कि मैं इस बात पे बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी 60 सीट क्रॉस कर ले और इवन 70 टच कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। सो ओवरऑल मैं वापस से कह रहा हूं कि ये इलेक्शन नवीन पटनायक वर्सेज बीजेपी का नहीं है, ये इलेक्शन पांडियन जी वर्सेज भारतीय जनता पार्टी का है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है बीजेडी जो है वो डाउनसाइड पे जाती हुई दिख रही है। और जब भी कोई पार्टी 20 साल से ज्यादा शासन में रहती है और डाउनसाइड पे जाती है तो उसका जब डाउनसाइड होता है तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डाउनसाइड हो जाता है। तो ये जो सर्वे वो एक ट्रेंड बता रहा है जिसमें बीजेडी डाउनसाइड पे और बीजेपी अपस्विंग पे है। और मैं वापस से कहूंगा कि मेरा जितना मैंने ग्राउंड पे ट्रैवल किया है मुझे लगता है लोकसभा वाइज पे बीजेपी स्वीप करेगी और असेंबली लेवल इलेक्शन के अंदर बीजेडी जितनी अपनी सीटें बचा पाए उतनी बच पाएंगी और उस बचाने के प्रोसेस के अंदर वो क्योंकि डाउनवर्ड स्विंग पे है पर्टिकुलरली मेन वोटर्स के अंदर और विमेन उसको बचा रही, तो क्या वो 70 बीजेडी 80 पे रुकेगी, 85 पे रुकेगी या 70 पे रुकेगी या 70 से नीचे आएगी, ये देखना होगा। पर बीजेपी का बेस्ट केस सिनेरियो जो मेरे हिसाब से 70 क्रॉस करने का है। पर एक बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी 55 सीट भी क्रॉस कर जाती है, 60 सीट भी क्रॉस कर जाती है तो ऐसा भी हो सकता है कि उस सिनेरियो के अंदर बीजेपी सरकार बना सकती है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।